अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाएंगे आलू और पनीर का क्रिस्पी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1/2 kg, हमने ले लिया है ये हमारे पास उबला हुआ आलू है। अब हम इस आलू को कद्दूकस करेंगे। आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। हमने यहाँ पे ले लिया है ये हमारे पास 200 ग्राम पनीर है। पनीर को हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है एक ऑनियन। अब हम ऑनियन को इसमें कद्दूकस कर देंगे। ऑनियन को हमने कद्दूकस कर दिया है। हमने यहाँ पे ले लिया है अदरक का टुकड़ा। अदरक भी हम इसमें कद्दूकस कर देंगे। अदरक को भी हमने अच्छे से कद्दूकस कर दिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है ये हमारे पास 3 हरी मिर्ची हैं जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे हम। एक कटोरी हमने हरा धनिया ले लिया है, ये भी इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून हम डालेंगे मैदा। स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है एक कच्चा अंडा, ये अंडा भी इसी में डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमने ले लिया है 4 चम्मच दूध है हमारे पास, ये भी इसी में डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक अच्छा सा शेप देंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है एक पॉलीथीन। अब हम लेंगे एक ग्लास और पॉलीथीन को हम ग्लास के ऊपर रखेंगे। ग्लास के ऊपर हमने पॉलीथीन रख दिया है। अब हम इस पेस्ट को पॉलीथीन में डालेंगे। देखिए पेस्ट को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसका कोना कट कर देंगे। यहाँ पे हम इसका कोना अच्छे से कट कर देंगे। यहाँ पे हमने फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन में हमने तेल डाल दिया है, गैस को जला दिया है। अभी तेल हमारा गर्म हो रहा है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे एक अच्छा सा शेप देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम इसे दूसरे साइड भी पलटेंगे। हमने इसे दूसरे साइड भी पलट दिया है। अब हमारा दूसरे साइड भी ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए, फिर हम इसको निकालेंगे। ये हमारा दोनों साइड अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे आलू और पनीर के ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा टेस्टी तैयार हुआ है बनके। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपका ये आलू पनीर का ब्रेकफास्ट कैसा बना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।